हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोया चाप स्टिक्स की रेसिपी। प्रोटीन से भरपूर, सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं ये। आप इन स्टिक्स से मलाई चाप, तंदूरी चाप या फिर चाप मसाला करी भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट हमारी चाप बनी है। तो चलिए मैं आपको भी बताती हूँ इनको मैंने कैसे बनाया। सोया चाप स्टिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है सोयाबीन की दाल। यहाँ पर आप देख सकते हो सोयाबीन की दाल कुछ इस तरीके से दिखती है, छोटे छोटे गोल गोल दाने होते हैं ये। यहाँ पर मैंने एक कटोरी सोयाबीन की दाल ली है, जिसको अब हम अच्छे से धो लेंगे साफ़ पानी में, और इसको अब हम भिगाकर छोड़ देंगे पूरी रात के लिए, जिससे ये बढ़िया से फूल जाएगी। और अब सेम कटोरी से नाप कर ये हमें यहाँ पर यूज़ करना है। सोयाबीन की बड़ियाँ जो आती है ना, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जिस कटोरी से नापकर हमने सोयाबीन की दाल ली थी, उसी कटोरी से नापकर हम यहाँ पर सोयाबीन की वड़ियाँ भी लेंगे। अब सोयाबीन की वड़ियों को हम क्या करेंगे, गर्म पानी में उबाल लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर पानी को मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। जब पानी गर्म होने लगेगा, तब हम इसमें वड़ियों को डाल देंगे। वड़ियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हमें इसको बस 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, जिससे ये भी सॉफ्ट हो जाएंगी और बढ़िया से फूल जाएंगी। 2-3 मिनट तक पकाने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमारी सोयाबीन की जो दाल है, वो भी बहुत ही बढ़िया से फूल चुकी है। आप देख सकते हो जितनी हमने डाली थी, उससे अभी ये डबल साइज़ में हो गई है। अब इसको हम फिर से एक बार धो लेंगे अच्छे से। दाल को अच्छे से धोने के बाद अब हम इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड मत करना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो 1-2 चम्मच पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। इसी तरीके से हम सारी दाल पीस कर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमें पूरी दाल का एक महीन पेस्ट बना लेना है। इसमें हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हम इसका एक आटा लगाने वाले हैं। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा डाल देंगे, तो उतना ही हमें इसमें मैदा और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी सोयाबीन की जो वड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई हैं। अब इस तरीके से हम कुछ वड़ियों को लेंगे, हाथों में दबाते हुए इनका पानी निकाल लेंगे। सारी वड़ियों का पानी निकाल कर अब हम इनको ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इनका भी महीन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। वड़ियों को पीसते समय भी हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वड़ियों का भी मैंने कुछ इस तरीके से एक महीन पेस्ट बना लिया है। सारी वड़ियों को हम इसी तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे, और सेम थाली में अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने सेम कटोरी से नापकर ही मैदा यूज़ किया है। मैदा यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे, सारा मैदा एक साथ ऐड नहीं करेंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नमक ऐड नहीं किया है। थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर हम इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे। इसका डो थोड़ा सा चिपचिपा ही रहता है। यहाँ पर हमारा डो लगकर हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। अब हम इस आटे की लोई बनाकर तैयार करेंगे। लोई हमें थोड़ी मोटी रखनी है, जैसे हम रोटी की लोई बनाते हैं ना, उससे थोड़ी मोटी लोई बनती है ये वाली। अब लोई के ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और इसको हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारी एक बड़ी सी रोटी बेल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मोटाई, इतनी ही हमें मोटी रखनी है। बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे। और अब हम इसको चाकू से इस तरीके से कट कर देंगे। लगभग 1-1 इंच की दूरी पर हमें इसे कट कर लेना है। अब हम एक स्टिक लेंगे, और अब हम इसमें से एक पीस निकाल कर इस तरीके से स्टिक के ऊपर रोल करेंगे। तो सबसे पहले स्टिक के ऊपर आपको इस तरीके से इसको कवर कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड से हम इस तरीके से इसको रोल करते जाएंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर एक बार रोल कर सकते हो, या फिर इसके ऊपर ही आप दूसरी बार भी इसको रोल कर सकते हो। अगर आप इसको मोटा बनाना चाहते हो, तो इसके ऊपर आप दूसरा रोल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिर से इसके ऊपर एक बार रोल कर रही हूँ, और एंड में इसको बहुत ही अच्छे से आपको चिपका देना है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से आप इन स्टिक्स को घर में बना सकते हैं। स्टिक को अच्छे से रोल करने के बाद इस तरह से हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देंगे, जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा आपस में। अब मैं आपको एक बार फिर से रोल करके दिखाती हूँ। तो हमें सबसे ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से दोनों साइड से कवर करना है, और उसके बाद बाकी के हिस्से को हम रोल करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड में आते आते तक आपको जो लास्ट वाला जो चिपकाना है ना, बहुत ही अच्छे से इसको प्रेस करते हुए चिपकाना है, जिससे ये पकाने के बाद भी खुलेगा नहीं। अब आप चाहे तो आप इसको एक बार रोल कर सकते हैं, या फिर डबल टाइम भी रोल करके लगा सकते हैं। तो
तो इस तरीके से मैंने सारी सोया चाप स्टिक्स बनाकर कर ली हैं बिल्कुल तैयार। अब हम इन स्टिक्स को पकाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें हम ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच नमक और पानी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पानी पकना स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें चाप वाली जो स्टिक्स थी उनको डाल देंगे, क्योंकि चाप अभी हमारी कच्ची है। इस तरह से पकाने के बाद चाप अच्छे से पक जाती हैं। अब हम चाप को टच नहीं करेंगे, जब ये चाप पक जाएंगी तो खुद ही ऊपर आ जाएंगी। तो हमें चाप को लगभग 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर लगभग 20 मिनट हो चुके हैं चाप को पकते हुए, और आप देख ही सकते हो सारी चाप अपने आप ही पानी के ऊपर आ गई है, मतलब ये अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। आप चाहे तो इनको बिल्कुल ठंडे पानी में डालकर भी रख सकते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाएंगे और इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा। या फिर मेरी तरीके से आप इनको खुली हवा में रख दीजिए, जिससे ये अपने आप ही ठंडी हो जाएंगी। यहाँ पर हमारी चाप बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब चलिए मैं इनको आपको काट कर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमें चाप को लेना है और इस तरह से नीचे की साइड से, मतलब जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है ना, उसको हल्के से प्रेस करना है, तो ये इजीली निकल आती है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कितना इजीली ये निकल गई है। अब हम चाप को कट कर लेते हैं और आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये कट रही है। जिस तरह से मैं चाकू लगा रही हूँ उसको देखने से ही पता चल पा रहा होगा कितनी सॉफ्ट हमारी चाप बनकर तैयार हुई है। और अंदर से ये बिल्कुल आप देख सकते हो उसमें लेयर्स भी दिख रही हैं। जब आप चाप को फ्राई करोगे ना, तो ये सारी लेयर्स अपने आप ही खुल जाएंगी। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर में चाप बना सकते हैं और इनको एक महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। चाप को स्टोर करने के लिए इनको ठंडा होने के बाद किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज़र में डालकर रख देना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर इस रेसिपी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। इन्जॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।